Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great and all of you are happy enough in your life. And so मैं रेडी हो गई हूँ, घर जा रही हूँ मैं. पूजा वैकेशन है, आई एम सो एक्साइटेड. तो मैंने फुल स्लीव शर्ट पहन लिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है. और ऐसे ही हेयर रबर से, यू नो, हेयर बैंड से बन बना लिया. बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड धूप है. तो मैंने मेरे प्लान्स के लिए एक जुगाड़ किया है. मुझे लगा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. तो देखिए क्या जुगाड़ किया है मैंने. मैंने ना यहाँ पे ये जो छोटा वाला प्लास्टिक बॉटल है यहाँ पे होल किया छोटा छोटा, और इधर भी किया. ये दो प्लांट के लिए एक बॉटल रख दिया. और यहाँ पे टिश्यू पेपर वो होल के साथ टच करते हो और सॉइल के साथ टच करते हुए रख दिया, ताकि ये टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब करेगा. अगर सॉइल को चाहिए होगा धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा और 5-6 डेज तक मतलब रह जाएगा. लाइक हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक वो वाटर मूव करेगा. तो आई होप ये नुस्खा काम आया जुगाड़. मैं घर आई और घर आके खाना खाई. और मैं खाना खाते ही मतलब खाना खा खा के मम्मी से बात कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन बाद मिलते हैं ना तो ऐसे बात करते रहते. और उसके बाद मम्मी पीठा बना रही थी तो मैंने उसे हेल्प किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ज़्यादा मैंने ही बना लिया उससे. मैंने पीठा बना लिया और मम्मी ने मुझसे थोड़ा कम बनाया, मैंने ही ज़्यादा बनाया. पहले थोड़ा ख़राब हो रहा था, उसके बाद ठीक हो गया. मुझे बनाना आता है लेकिन दीदी और मम्मी जैसा इतना अच्छा नहीं होता, फिर भी मैं बना लेती हूँ. ईद में भी मैं ही आधा बनाती हूँ, वो लोग आधा बना के मुझे बोलते कि बनाओ भी. और वो पीठा ना क्यों बना रहे थे, क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं आंटी के घर, मतलब मेरी मम्मी की एल्डर सिस्टर के घर. और वो जब ना हम जेठी माँ बोलते हैं, वो जब हमारे घर बहुत मतलब पहले आते थे हम जब छोटे थे ना, तब वो सेम पीठा हमारे लिए लेके आते थे. और उसका वाला तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी होते थे. और वो अभी थोड़ा उसका तबीयत इतना अच्छा नहीं रहता है, तो हम लोग जा रहे हैं उसके घर. मैं शायद बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, मेरे लिए तो उसके घर इतना जाती ही नहीं हूँ, मतलब टाइम भी नहीं मिलता और मैं जाती भी नहीं हूँ इतनी ज़्यादा. और तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हूँ, हम सभी लोग जा रहे हैं उसके घर. और इसलिए कल मिलती हूँ, और आज कुछ है नहीं, मैं सो जाऊँगी क्योंकि मुझे वो फ्रेशर्स वाला थकान अभी तक मतलब ख़त्म नहीं हुआ, मुझे सोना है. और ट्रेन से ट्रेवल करना इतना इजी भी नहीं होता. आज पल्टन बाज़ार से लेके ना घर तक 2 आवर्स लगा, मतलब इतना ट्रैफिक. मतलब पूजा के वजह से ना लोग ऐसे लग रहे थे कि चलने में भी मतलब एक और एक दूसरे को मतलब टक्कर दे के जा रहे थे ऐसे, मतलब बॉडी में टच करते हुए लोग चल रहे थे. और गाड़ी का तो मतलब बोलो ही मत, और इतना धूल, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए मतलब क्या ही बोलो, बहुत ज़्यादा टायर्ड हुआ. और आने के बाद ही पीठा बना लिया क्योंकि मम्मी बना रहे थे तो उसको हेल्प किया. और अभी खाना खाऊंगी या नहीं पता नहीं, भात तो खा ही लिया आके, अभी देखती हूँ. खाना नहीं खाऊंगी तो सो जाऊंगी.
और थोड़ा मैं ऐसे घर का चक्कर मारूंगी कि क्या क्या है, मैं क्या लेके जा सकती हूँ और क्या नया ऐड हुआ है। मैं जब भी आती हूँ तो देखती हूँ अगर कुछ नया सामान आया है घर पे, अगर मैं ले जा सकती हूँ तो कुछ कुछ लेके जाती हूँ। फूड ज़्यादा ऐसा होता है कि घर पे कुछ ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में कुछ मेरा पसंद का खाना है तो मैं अभी से एक्स्ट्रा करके रख दूँगी, जब जाऊँगी मैं लेके जाऊँगी। मेरा ट्रॉली देख के आप लोग ना मतलब हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि मैं कितना छोटा छोटा सामान भी घर से लेके जाती हूँ। इवन मैं बोलने में भी मुझे शर्म आ रहा है कि मैं, आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है भाई, ये तो 2 रुपए में भी मिल जाते हैं, ये भी लेके आती है। पता नहीं मतलब मिलती है तो मैं उठा कर ट्रॉली में रख देती हूँ, कहीं कहीं से भी कुछ भी मिले घर पे। और ना जब हम अकेले रहते हैं तो खरीदने के लिए जाना ही एक बड़ी बात होती है, कभी कभी मन ही नहीं करता कि जाऊँ, तो जितना भी हो सके ना मैं घर से लेके जाती हूँ बहुत कुछ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई नो मेरे वीडियोज़ में इतना व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरा विज़न थोड़ा अलग है, इसलिए मैं हिंदी में ही बोलती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए बाद में। अभी तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ ताकि मैं यूज़ टू हो जाऊँ वीडियो के साथ, लेकिन मेरा विज़न, मेरा थोड़ा प्लानिंग कुछ अलग है। ये मुझे लगा मैं जर्नी अपना शेयर करूँ, मतलब पॉइंट तक जब पहुँचूँ तब आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ ये इधर से आके उधर तक पहुँच गए। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लग्जरियस लाइफ की तरफ मेरा प्लानिंग है, कुछ ऐसा नहीं है। एक 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 छोटा छोटा सा स्टेप जो मुझे लेना है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी भी हो सकती है औरों के लिए, तो उसके हिसाब से मैं ये बना रही हूँ ताकि मैं अभी से यूज़ तो हो जाऊँ और मुझे बनाना आ जाए और बाद में मेरे साथ बहुत लोग जुड़े और मुझे जब हेल्प की ज़रूरत हो तब कर पाए और मैं भी लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ जो मैं करना चाहती हूँ उसके हिसाब से। तो इसलिए मैं हिंदी में भी बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे आसामी से बोलना अच्छा नहीं लगता या फिर मैं अंडर एस्टिमेट करती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। आई रियली लव टू टॉक इन आसामीज, क्योंकि हम बचपन से ही आसामीज बोलते हैं, कैसे बुरा लग सकता है। लेकिन हिंदी में मेरा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं जो प्लानिंग कर रही हूँ वो असम में लिमिटेड नहीं होगा, वो आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग बिग, समथिंग डिफरेंट, एंड जो को हर एक को हेल्प करे जो मैं करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं एक ना एक दिन करूँगी और उसके लिए ही मैं ये सब स्टार्ट कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, शेयर करने में क्या ही जाते हैं। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग को स्टार्ट करूँगी, घर पे हूँ पढ़ूँगी तो नहीं, क्योंकि मैं घर पे ना पढ़ाई लेके आती नहीं हूँ, मुझे मैं घर पे इतना आती भी नहीं हूँ, तो मैं जब आती हूँ मैं पढ़ाई लेके नहीं आती हूँ, एक्सेप्ट एग्जाम डेज, एग्ज़ाम भी है लेकिन ये सेशनल है, तो जो भी हो हर एक एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होता है वो भी है, लेकिन मैं जाके पढ़ूंगी, मैं जाके सच में पढ़ूंगी, लेकिन अभी मैं घर पे नहीं पढ़ूंगी, कुछ कुछ प्रैक्टिकल करना होगा तो करूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं, जाके ही पढ़ूंगी और घर पे इंजॉय करेंगी और देखती हूँ क्या होता है। सुबह होने तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ मुझे दिखना है घर के आसपास, इतना सारा प्लांट्स है उसको देखना है, हमारे घर पे काव भी है क्यूट सा, उसे भी देखना है, और तो कुछ है नहीं, और आपको और एक इंटरेस्टिंग सा जगह पे लेके जाऊंगी, सो जुड़े रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।